तो भाई फाइनली घर घर लौट आया मैं, और सामने आते आते एक शिप भी दिख गया, और ये फायर मेरे फायर चार्ज की वजह से अभी जस्ट जल उठा और कुछ नहीं। तो ठीक है, अब घर घर पे चलते हैं, और मुझे कुछ चीज़ें दिखाना है जो मेरे ऑफलाइन के साथ हो गया था। वेल, ऑफलाइन में से हादसा हो गया था। वो क्या हुआ था कि पिछले एपिसोड में तुम्हें जो मुझे जो रुई नेदर पोर्टल मिला था, वहाँ पे तुम्हें खजाना मिला था मुझे एक, जिसमें वो थोड़े वाटरमेलन थे, थोड़े से आयरन इंगट्स थे, और भी कुछ नए नए चीज़ें थे। निकल जब मैंने गेम को दोबारा चालू किया बंद करके, वो सारे जस्ट रीसेट हो गया। मतलब मैं उस विच हट के उस नेदर रुइन पोर्टल के थोड़े से दूर स्पॉन हो गया था, फॉर फक्स सेक वो पूरा रीसेट हो गया था। तो इसीलिए अब मेरे पास थोड़े ऑब्सीडियंस आ गए, एक पिकेक्स आ गया जिसमें सिल्क टच लगा हुआ है, और एक ये जो ब्रो क्या बोलते हैं गोल्ड के बूट्स मिल गए। मैं तो इसके इसका जगह पहन लूँगा, इसे पिघलाने के लिए दे दूंगा अभी। निकल ये सवाल नहीं है, ये गेम ऐसा क्यों है? कोई चारा ही नहीं है। आज का एपिसोड का गोल है कि हम थोड़े डिब्रीज को ढूंढने की, एंशियंट डिब्रीज को जो कि नेदर नेदर पे मिलता है, और उसके लिए मैंने पहले से थोड़े से सैंड जुगाड़ करके रखा है। मुझे गन पाउडर की कोई कमी तो है नहीं, जो जो मेरे ऊपर के चेस्ट में रखा हुआ है भर भर के। ये देखो मेरे पास इतने सारे गन पाउडर अभी से ही है, लेकिन मैं ऐसा भी ले नहीं सकता, मुझे फिर अपने चेस्ट को खाली करना पड़ेगा, इन्वेंट्री को। सॉरी। Many, many minutes later. तो बना लेते हैं हम अपने पहले TNTs। मैं TNT मेथड को यूज़ करने वाला हूँ इस माइनिंग में। मैं स्ट्रेट माइनिंग नहीं करने वाला, वो बहुत ही गंदा लगता है मुझे करने में। चलो माइन डायमंड भी नहीं मिलता और कुछ काम भी नहीं होता। काश के डायमंड भी मुझे ऐसे ही TNT के जो एक्सप्लोजन TNT जो मेथड है उससे मिल जाता तो कितना अच्छा होता। मैं 38 बना पाऊँगा क्या है भाई? थोड़ा नहीं, 38 से ज़्यादा बना पाऊँगा मैं एक्चुअली। 56 ठीक है, 56 काफ़ी रहेंगे। मेरे पास क्या कमी पड़ गई? रेत तो है, गन पाउडर कमी पड़ गई। मैं सारा का सारा गन पाउडर लिया था, तो कुछ तो मेरे दूसरे वाले चेस्ट में भी रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़े और है, और भी देखता हूँ कहाँ कहाँ पे मैं छुपा के रखा हूँ अपना गन पाउडर। थोड़े से मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, थोड़े से क्या बहुत मिल जाए इसके साथ, थोड़े से आई गेस मुझे यहाँ पे भी मिल सकते हैं। ओके इधर ये भी है। आज मैं स्केलेटन को मैं ना हेडशॉट दूंगा, एक मर गया। और थोड़े मेहमान आए हुए हैं, इन्हें भी मैं जरा सबक सिखाऊंगा पहले, फिर थोड़े काम करेंगे। इन्हें पहले सबक सिखा दूं अपने रॉ हाथ से। चलो हो गया, देखते हैं। मेरे यहाँ पे बहुत है बे। ओके बहुत है मेरे पास। अरे इस क्या क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक है, काश कि यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल भी होता तो कितना अच्छा होता। निकल ठीक है, और 27 बन जाएंगे, बहुत सही। जितना ज़्यादा उतना अच्छा, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, और बाकी के TNT को उनके जगह पे रख के आता हूँ। TNT कह रहा हूँ, गन पाउडर। और भी जो भी ऑफलाइन जुगाड़ करता रहूँगा, मेरे मेरा इस वक्त तो रेत की कमी पड़ गई। निकल मैं दो बार रेत लाने भी नहीं जा रहा, और मुझे चाहिए होगा अपना डायमंड का पिकेक्स। तो आई गेस कि मैं पूरा रेडी हूँ। निकल एक चीज़ है जो मुझे काफ़ी मदद करेगा, वो है मेरा बो, मेरा OP वाला बो जो मैं यहाँ पे संभाल कर रखा हुआ हूँ, जिसमें फ्लेम लगा हुआ है पहले से। तो ये मेरा काफ़ी मदद करने वाला है। मैं इस बो को साइड में रख दूँगा। यार इतने कीमती चीज़ लेके तो जा रहा हूँ, मैं लौट भी पाऊँगा इतनी कीमती चीज़ों के साथ? क्या पता। अब आगे बढ़ते हैं चलो। और वो जगह थोड़ा सा एक्सप्लोर भी नहीं हुआ ठीक से मेरा, तो देखेंगे अगर एक्सप्लोर भी कर सके तो अच्छा रहेगा वो, बहुत है ना। गुड बाय माय गाइस। आ गया। ओ यहाँ पे पिगी क्या कर रहा है? पिगी पिगी भी
ओके, ये लामा अभी तक नहीं गया यहाँ से। बहुत सही, तो मैं कौन इसमें 80 ब्लॉक पे हूँ मैं। ओके, मैं यही से एक माइंड स्टार्ट कर दूंगा। निकल में शॉवल लाना भूल गया, सब कुछ लाया लेकिन शॉवल लाना भूल गया। फिर से जाओ यार, गुड बाय अगेन माय गाइस। ठीक है पिगी, अब तेरा बाजा बजाऊंगा। नहीं, यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं अपना माइंड। मुझे क्या करना होगा, मुझे 22 से और 3, जो 3 होते हैं कि 8, हाँ 8 से 22 लेवल के ब्लॉक तक मुझे कोई भी एक ब्लॉक चूज करना है और वहाँ पे मुझे माइनिंग, स्ट्रेट माइनिंग स्टार्ट कर देना है। तो करते हैं, चलो भाई लावा का शिकार ना बन जाओ। मैं छू नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पास फायर की वो पोर्शन भी नहीं है। ओके, इस बात का तो मुझे पूरा उम्मीद था ही कि मुझे मिलेगा ये सब, और मुझे इस बात का उम्मीद भी था कि मैं इसे हरा दूंगा। ओह ग्रेट, इसी बात का डर था मुझे। काफी नीचे आ चुका हूँ मैं, अब मुझे यहाँ से उतरना ही पड़ेगा। रेडी, 3 2 1 गो। ओह बाप रे बाप रे बाप, बच गया मैं, लावा पे नहीं गिरा मैं डायरेक्टली। ओके, उधर एक, उधर बेस्टियन है। आई गेस कि वही बेस्टियन है जो मैं पहले एक्सप्लोर कर चुका हूँ एक एपिसोड में, दोबारा नहीं जाने वाला। हट, तो मुझे दूसरा अपना यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, दूसरा माइंड, या थोड़ा और नीचे से करना पड़ेगा। वहाँ थोड़ा नीचे से करता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। लेकिन मुझे जस्ट याद रखना होगा कि मेरा गड्ढा है किधर। इससे अच्छा एक काम करता हूँ ना। अच्छा तो इधर ये पत्थर, अच्छा, इसीलिए मुझे वो मिला नहीं था। ठीक है, कोई नहीं, इधर से करता हूँ और देखते हैं। मुझे बस एक टावर जैसे कुछ खड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे ताकि मैं ऊपर जा सकूँ। और ये हो गया, खाना खा लेता हूँ और फिर से कूदते हैं। चलो ओके, यहाँ पे है तो मैं अपना नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करूँ कि कहाँ से करूँ। वहाँ से करना सेफ नहीं, यहीं से करता हूँ, यहीं से ठीक रहेगा। मेरे इस पिलर के पास भी होगा फिर, और मैं फिर लेडर का थोड़ा जुगाड़ करूँगा। खोदना स्टार्ट करते हैं प्लीज। लावा पे ना मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी लावा आ जाता है। तब भी लावा आ गया था। कितना डराएंगे यार, ये गांड फट रही है भाई और कुछ नहीं। उधर घास भी है उधर। अच्छा है कि मैं अपना बोला है अपने साथ, एंडरमैन्स है, पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा अभी यार यहाँ पे। कहाँ से स्टार्ट करो जो कि मुझे पूरा नीचे तक लेके जाए, समझ नहीं आ रहा। वाह, खुद ही मर गया, शूट किया भाई का। ठीक है, यहां से स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कहां पे लेकर जाता है ये गड्ढा मुझे। आई
आई हेट दिस फकिंग हेल। प्लान चौपट, नहीं जा सकता इधर। चलो ऐसी जगह पे स्पॉन हुआ जहाँ पे मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बाप रे बाप, कैसे भी करके बच रहा हूँ मैं। बस मुझे वहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे, यहाँ से जा सकता हूँ मैं उधर। उधर अगर गया ना तो मैं वहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं अपना माइनिंग। निकल, यहाँ पे दोबारा आ पाऊँगा मैं? मेरा टावर वहाँ पे है तो मुझे बस इस जगह के कोऑर्डिनेट को याद रखना होगा। मैं कहीं पे लिख लेता हूँ, रुको। ठीक है, काम बन गया, नोट भी कर लिया और यहाँ पे एक सीढ़ी भी बना लिया मैंने ताकि ऊपर जाने में कोई दिक्कत ना हो मुझे बार बार। तो मैं किधर जा रहा था? उधर जा रहा था ना। ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ। अब मुझे कोई स्ट्राइडर भी है उधर। स्ट्राइडर एक अच्छा चीज़ होता, मुझे सेफ रहना होगा कैसे भी करके। मेरे पास नेदर रैक एक्स्ट्रा है ना? बहुत है बे, बहुत है। एक्स्ट्रा क्या, बहुत है। बस घास्ट नहीं चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे कोई साउंड नहीं आ रहा, तो हू करने वाला आवाज़ भी मुझे नहीं आ रहा। ब्लैक स्टोन का खंबा इधर, वाह। वेल, उधर ना जाके मैं इधर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। ऐसे कोई बात नहीं है देखा जाए तो, है ना? तो इधर से चक्की में स्टार्ट किया जाए, देखते हैं। फिर से स्टार्ट, ओके। सो फार मैं 31 वो ब्लॉक पे आ गया हूँ और मुझे देखते हैं आगे क्या मिलता है मुझे। मैं एक बार मैं उस जो लेवल पे कहा था उस लेवल पे जाके मिलता हूँ। मैं 10 लेवल पे जाऊँगा, 10 लेवल पे मिलता हूँ एक बार मैं। One eternity later. तो मैं 10वें लेयर पे आ गया और ये जगह काफ़ी ठीक है। और बीच में काफ़ी मैग्मा ब्लॉक ब्लॉक काफ़ी कुछ मिला था, जैसे कि वहाँ पे देख ही रहे हो, पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं। वो घास गया वहाँ से एक। यार ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। कोई नहीं, अब मुझे स्ट्रेट माइनिंग करना होगा बहुत ही ज़्यादा दूर तक, इसीलिए ऐसा ही कुछ है ना। आई गेस को मुझे ऐसे ही करना होगा। अब मैं काफ़ी दूर तक तो आ गया हूँ। अब इतने दूर तक आने के बाद मुझे अपना TNTs को लगाना शुरू करना होगा। मैं अपना TNTs को हाथ में ले लेता हूँ और ठीक ऐसे लगाना है। यहाँ पे एक लगा दिया और उसके दो ब्लॉक छोड़ के एक यहाँ पे लगाया, दो ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे लगाया। दो ब्लॉक छोड़ रहा हूँ ना मैं, दो ब्लॉक ही छोड़ रहा हूँ। फिर से दो ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे लगा दिया, फिर से दो ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे लगा दिया, दो ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे, सॉरी ये एक ब्लॉक हो गया। फिर से दो ब्लॉक, दो ब्लॉक, दो ब्लॉक, ऐसे करके मुझे पूरा एंड तक लेके जाना होगा। और देखते हैं कितना आता है मेरे पास, मेरे हाथ में एंशिएंट डिब्रीज। मुझे TNT वो सही में काफी अच्छा लगा। हाँ निकल, अपने लिए थोड़ा जगह बचा के रखना, पूरा ही मत भर देना जैसे कि मैंने पूरा भर दिया। ठीक है, और ज़रूरत पड़े थोड़ा यहाँ से मैं दो ब्लॉक ना छोड़ के थोड़ा एक साथ ही लगा देना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अब क्या करना है, अपने सेफ्टी के कारण इस जगह का थोड़ा बंद कर देना। एज फॉर प्रिकॉशंस, ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। के बाद निकल, अगर मैं बंद कर दूंगा तो उन्हें जलाएगा कौन, मेरा बाप साले। एक सेकेंड, मुझे ऐसे रास्ता कर, हाँ यहाँ पे है ना, ठीक है। नहीं ये नहीं लेना, ये लेना है। और यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ये 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 और अपना फ्लेम वाला बो मैं निकाल लूँगा। कहाँ पे गया यार, ये रहा। ठीक है, और मैं तो टॉर्च लगा देता हूँ यहाँ पे। ये बहुत अंधेरा हो रहा है, तुम लोगों को भी काफ़ी अंधेरा लग रहा होगा। और वहाँ पे भी लगा देता हूँ थोड़ा सा, ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐसे ही लगाया मैंने और कुछ नहीं। तो मैं जितनी दूर हो सके उतनी दूर तक इसे फेंकूंगा तीर को, और देखते हैं। ओके गया, ऊपर चलो। मुझे कोई साउंड तो नहीं आने वाला, लेकिन लैग ज़रूर होगा मुझे ऐसा लग रहा है। फटा,
ठीक है, ये बाकी जो यहाँ तक है ना, मैं इन्हें भी फोड़ ही देता हूँ। भागो, भाग 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 भाग, वरना कहीं मुझे ना डैमेज मिल जाए। टॉर्च लगाओ, हो गया शायद। ओके, तो कुछ ऐसा हो जाएगा सीन, इतना खतरनाक, इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सेफ्टी बनाए रखो। तो एंशियंट डिब्रीज एक भी नहीं है यहाँ पे, मुझे तो नहीं दिख रहा। बाकी सर सोल सैंड वोल सैंड ये सारे दिख रहे हैं मुझे। क्या मैंने कोई गलती किया? अरे यार, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सीन हो गया। अब ये लावा आ गया, पता नहीं बंद कैसे करूँगा इस लावा को मैं। अब मुझे कोई एंशियंट डिब्रीज नहीं है, फकर्स। ओहो, हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा, ओह एक दिखा, एक मिला मुझे। ओ भाई एक मिला, फाइनली एक मिला। एक से थोड़ा ज़्यादा मिलता तो मुझे और खुशी होती ना। कि ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं करते आखिरकार। ओह मुझे इस लावा को बंद करना होगा, अब कैसे करूँ? हो, मुझे लगा मैं जल जाऊंगा अभी, अभी नहीं जला, बच गया मैं। ठीक है, लावा बंद हो गया। हाँ हो गया, फाइनली वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिब्रीज मिला। और एक छोटा सा टिप, एंशियंट डिब्रीज को कभी भी किसी नॉर्मल पिकेक्स से मत तोड़ना, सिर्फ नेदरराइट या फिर डायमंड पिकेक्स से ही तोड़ना, क्योंकि तभी मिलेगा, वरना तुम्हें नहीं मिलने वाला। यहाँ पे रखो, और मैं और भी ज़्यादा TNT लगाऊंगा अभी, ये ख़त्म नहीं हुआ अभी। मतलब एटलीस्ट मैं एक इंगट बना सकूँ ऐसा, मैं इतना एंशियंट डिब्रीज मुझे चाहिए। एक इंगट बनाने के लायक इसकी 5 या 4 मुझे डिब्रीज चाहिए होगा, है ना? इतना ही चाहिए। लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं अलग चीज़ करूँगा, और वो अलग क्या होगा वो मैं अभी बताता हूँ उनको। थोड़ा सा ऊपर से खोदूँगा, दसवा ब्लॉक, ठीक है चलेगा। मैं अपना इसको यूज़ कर लूँ क्यों ना। ये चीज़ें ना बिल्कुल अच्छा ही लगता मुझे। मेरा वो वाला पिकेक्स किधर गया? मेरा चार्ज भी ख़त्म होने को आया। ओ भाई, अब मैं इधर से थोड़ा TNT लगा दूंगा, और ऐसे कर, इस बार ऐसे करके लगाऊंगा, क्योंकि इस पिछली बार सारे के सारे TNT फूटे नहीं थे, इसीलिए। ठीक है, अब मैं इधर से थोड़ा खोदूंगा। सेम है, एग्जैक्ट ब्लॉक तक जाना है, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, और थोड़ा ज़्यादा हो भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस भर के तुम्हारे पास TNT होना चाहिए, और कुछ नहीं। थैंक यू फॉर योर फकिंग फकर गिफ्ट। साले ग्रेवल हो गए, सडनली मैं ब्लैक स्टोन के यहाँ पे आ गया। इतना काला, बाप रे बाप, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ से मैं TNT बिठा देता हूँ। और इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा इससे। अब जब 3 और बचे गए हैं, तो क्यों ना मैं 2 और यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे।
यहाँ पे देख, यहाँ पे ठीक है, और अपना प्रोटेक्शन पहले कि बहुत ज्यादा धमाका होने वाला है इधर। ये क्या कर रहा है? आई गेस की हो गया। ओ सामने ही डिब्रीज, क्या बात, इसे कहते किस्मत। तो देख रहे ऐसे एफिशिएंट वे से मैं डिब्रीज कलेक्ट कर सकता हूँ, और वो भी भर भर के। ठीक है उतरते हैं चलो। मैं पहले देख लूंगा कि कहाँ कहाँ पे डिब्रीज है, फिर वहां पर भी एक है डिब्रीज। पहले ये वाला ले लेता हूँ मैं, रुको एक सेकंड, मुझे इन लावास को भी बुझाना पड़ेगा। और कहीं पे है? और तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि पिछले वाले माइन पे अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है तो, मतलब कोई डिब्रीज वब्रीज अगर छोड़ दिया है तो मुझे एक भी नहीं खोना। ठीक है, भर भर के डिब्रीज आ रहे हैं। 15 minutes later. 7 डिब्रीज मिल गया मुझे, क्या सही चीज़ है। मैं अपने स्पिकैक्स को नेदर स्पिकैक्स बना सकता हूँ आज ही, फिर देखते हैं। इन सारी चीज़ों को तो मैं ऑफलाइन ले लूँगा, इन्हें ऑनलाइन लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। और कहीं पे है? लगता नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ऐसे करूँगा ना, मैं रिकॉर्ड भी करूँगा और उसे मैं थोड़ा बड़ा करके करूँगा नेक्स्ट टाइम से। बाय द वे वहाँ पे है शायद मेरा माइंड ना। भागो, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लगा दो, क्या मैं इसे इसके अंदर कर सकता हूँ? ओ हाँ कर सकता हूँ, और काफी जल्दी जल्दी हो जाएगा फिर। ओह 7 मिल गया आखिरकार, क्या बात है। अच्छा मुझे कुछ स्मिथिंग टेबल भी चाहिए होगा ना, स्मिथिंग टेबल का रेसिपी क्या है वो देख लो तो एक बार। 2 आयरन और 4 प्लैंक्स, ठीक है सारी चीज़ें हैं मेरे पास, और फाइनली बनने वाला है हमारा स्मिथिंग टेबल। वेल स्मिथिंग टेबल के अलावा मैं एक और जगह पे भी बना सकता हूँ। अच्छा मुझे तो अभी गोल्ड चाहिए ना, मैं इंगट बनाया कहाँ हूँ। गोल्ड भी ले लेता हूँ और आयरन को रख देता हूँ वापस। ठीक है इसको यहाँ से हटाओ, और एक हमारा पहला नेदरराइट इंगट। ओ कितना अच्छा लग रहा है मुझे, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा मैं रेसिपी देखना भूल गया, क्या जाने दो। मैं यहाँ पे 2 काम कर सकता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे रख, आ जा फिर रखू। अच्छा नहीं आएगा, अच्छा, पता नहीं किस चिंदी यूट्यूबर ने मुझे दिखाया था ये चीज़ निकली, इसके लिए यही चीज़ चाहिए होगा। तो यहाँ पे लगाओ, फाइनली हमारे पास आ गया अपना नेदर राइट पिकैक्स। ओ भाई क्या क्या कितना क्या फील हो रहा है, मैं तुम्हें बोल के समझा नहीं सकता अभी। एक बार टेस्ट के लिए जाता हूँ ना, इसे टेस्ट अगर नहीं किया तो इस पिकैक्स का अपमान होगा। मैं टेस्ट करूँगा, क्यों ना ऑब्सीडियन पे करूँ, देखता हूँ ऑब्सीडियन कैसा हो जाएगा। ये रहा ऑब्सीडियन, और देखते हैं कैसा है इसका पावर। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है बे, काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। थोड़े और जरा माइंड कर लो, वो क्या पावर देख रहे हो, इसका पावर देखो गाइस, पावर नेदरराइट का पावर, नेदर का पावर मेरे पास आ गया अब नेदरराइट। चलो वापस घर चलते। तो मैं अभी एपिसोड को यहाँ पे तक ख़त्म नहीं करने वाला, एक आखिरी काम है जो मुझे करना है, एक टावर बनाना है मुझे, टावर नहीं एक स्ट्रक्चर। व्हाट द फक,
ये नहीं करना होता। तो मुझे ये मेरे पास बहुत सारे एमराल्ड्स हो गए हैं, मैं इनसे ज़्यादा ट्रेडिंग वेडिंग तो मैं करता हूँ नहीं, तो क्यों ना मैं इसे थोड़ा सा एज अ शो के लिए थोड़ा इधर उधर लगा दूँ। आई मीन लगना भी तो चाहिए ना, मैं कितना ज़्यादा अमीर हूँ इस गेम में, लगना भी चाहिए चीज़। मैंने डिसाइड किया मैं इसे ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे और ऐसे, हाँ ऐसे करके लगाऊंगा और इसे एक पिरामिड जैसा लुक दूंगा मैं, जब मेरे पास और भी ज़्यादा एमराल्ड हो जाएंगे। गाइस आज के वीडियो इतना ही, अगर तुम लोग को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। और ये देख रहे हो मेरे हाथ में अपना नेदर राइट पिकैक्स, हमारा नेदर राइट पिकैक्स।